हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका। तो आज मैंने दूध के पेड़े बनाए हैं, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने फूड कलर लिया है, दूध लिया है, चीनी ली है और थोड़े से बादाम लिए हैं, और ये कढ़ाई है। तो आइए कैसे बनाते हैं दूध के पेड़े। तो यहाँ कढ़ाई मैंने गरम लगाती है, तो बस मैं इसमें दूध डाल दूंगी। बहुत टेस्ट बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरा दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा बर्फ का है, थोड़ा सा हो गया है। तो देखिए कैसे बनते हैं दूध के पेड़े। तो बस हम दूध को ऐसे लगातार चलाते रहेंगे और गैस को हम फुल रखेंगे और चलाते रहेंगे ऐसे दूध को बीच बीच में। नॉनस्टिक कढ़ाई पे इतना चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे देख में गैस में देखिए अभी फुल है गैस और कढ़ाई में दूध है, दो बाल आ चुका है दूध का। तो हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे, झटपट बन जाता है, उसमें ना तो ज़्यादा टाइम लगता है। आप प्लीज़ ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में बहुत टेस्ट लगता है और आसानी से बनता है। लास्ट में चलाते रहना चाहिए क्योंकि वो नीचे लग जाने का थोड़ा सा डर रहता है, इसी वजह से। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। तो गरम तो हम बना नहीं सकते हाथ से, तो हमें ठंडा होकर इसको ठंडा करने के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। देखो हम ऐसे गोल गोल बनाएंगे इसे और बीच में ऐसे पेड़े जैसे शेप दे देंगे। और देखिए आप ऐसे शेप देंगे हम इसको, अब देखिएगा वैसा ऐसे अब इस अंगूठे की सहायता से हम दबा देंगे तो हमारे पेड़े रेडी हैं। तो देखिए मैं दूसरा वैसे ही बना रही हूँ, आप देखो बहुत आसानी से बनते हैं, आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत आसानी से बनते हैं, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये पेड़े। तो आप इसमें इलायची, काजू वगैरह कुछ डाल सकते हो, हमें इलायची वगैरह पसंद नहीं है, तो मैंने बस पिस्ते ही इसमें रखे हैं। तो देखिए सब रेडी हैं पेड़े। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा।